जो कब कैसे कहां क्यों? अरे रुक जाए, इतने सवाल मत ही करे। अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे चक्कर आ रहा है। अरे अरे संभाल संभाल संभाल, मुझे मुझे मिनी हार्ट अटैक आ रहा है। मुझे ₹200 दे और ₹50 कट ओवर एक्टिंग की वजह और ₹50 कट ओवर एक्टिंग की वजह से। पर यार एक बार बता, एंड गेम में तो मर गया था ये टोनी स्टार्क, फिर अब इस मतलब ये कैसे पॉसिबल है? रुको जरा, सबर करो। ये जो आयरन मैन को नौ वेरिएंट है, जाको नाम है सुपीरियर आयरन मैन। ये तो पहले वाले से ज्यादा पावरफुल लग रहा है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। पर यार मुझे एक बात बता कि मतलब कैसे, मुझे नहीं समझ आ रहा है। अरे जो ही तो वीडियो का मेन पार्ट है, अगर अभी बता दो तो पूरी वीडियो कौन देखे? समझ रहे हो आप? जो ना हॉलीवुड को बेस्ट एक्टर में से एक है। कौन कौन? अरे पूरी वीडियो देख पहले। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। आपके दिमाग में भी आ रहा है कि सुपीरियर आयरन मैन आया कहां से, कब, कैसे, क्यों? तो इसके लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आपने डॉक्टर स्ट्रेंज का सेकंड पार्ट यानी कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर तो देख ही लिया होगा। ट्रेलर में दिखाया गया है कि जब स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम के साथ खिलवाड़ किया, जिससे कि कई परेशानियां देखने को मिली। कुछ मेहमान यहां आने लगे हैं, वो भी हर यूनिवर्स से। और इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि सुपीरियर आयरन मैन की तरह सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि इस मूवी के विलन में से एक है, वो टाइम मैनेजमेंट बिगड़ने की वजह से धरती पर आ गए। उसी तरह आयरन मैन के कई वेरिएंट्स हैं, उनमें से एक है सुपीरियर आयरन मैन, और फिर वो धरती पर आ जाता है। तो आप सोच रहे होंगे इस बात का क्या प्रूफ है, तो अब हम आपको कुछ कॉमिक सीन दिखाते हैं। तो ये पहला कॉमिक सीन जिसमें कि सुपीरियर आयरन मैन को रिवील किया गया है, और ये दूसरा पोस्टर जिसमें दिखाया गया है कि ये लड़की आयरन मैन से बात कर रही है और उसे कहती है कि तुम ये नए सूट के साथ क्या कर रहे हो, और तब आयरन मैन जवाब देता है कि अब मैं इविल बन चुका हूँ तो मुझे नए सूट की जरूरत है। फिर ये लड़की कहती है कि तुम्हें अपना नाम भी चेंज करके ब्लूटूथ मैन कर लेना चाहिए। और अब आप इस इमेज को जरा देखिए, जिसमें कि आयरन मैन हवा में उड़ते हुए जा रहा है और लोग बोल रहे हैं वो देखो आयरन मैन, वो देखो आयरन मैन। और वहाँ शहर में एक बच्चे पर गामा रेज पड़ने पर वो बेबी हल्क जैसा बन जाता है, जिससे कि वो शहर में तबाही मचाने लगा, जिसके बाद शी हल्क उसे रोकने आती है और वो उसे बच्चा समझ लेती है, और उसके बाद वो बच्चा शी हल्क पर अटैक करता है, जिसकी वजह से शी हल्क गिर जाती है, और फिर वो बोलती है कि ये तो काफी पावरफुल है। और फिर एंट्री होती है आयरन मैन की, और बच्चे और आयरन मैन के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसके बाद बच्चा आयरन मैन का सर उखाड़ देता है। और उसके बाद जो होता है उसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं कि उस सूट में आयरन मैन नहीं है। उसके बाद शी हल्क बोलती है कि ये क्या टोनी, तुम तो यहाँ भी नहीं आए। फिर स्टार्क जवाब देता है कि इस बच्चे के लिए मैं यहाँ आऊंगा, और फिर आयरन मैन का सूट उस बच्चे पर अटैक कर देता है, जिससे कि बच्चा गिर जाता है। और फिर शी हल्क बोलती है थोड़ा जोर कम आजमाते, और फिर आयरन मैन भी ये बोलकर चला जाता है कि ये सब समेट लेना। और फिर दिखाते हैं कि जहां टोनी की पूल पार्टी चल रही थी वहां पेपर आ जाते हैं। टोनी मुझे तुमसे बात करनी है। चलो चलो मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। उसके बाद टोनी स्टार्क अपने सुपीरियर आयरन मैन सूट के बारे में बताते हैं, जो कि लिक्विड जैसी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। तो इन सब सीन से आप ये समझ ही गए होंगे कि सुपीरियर आयरन मैन कितना पावरफुल है और सबसे बड़े अयाशों में से एक है। और कुछ दिन पहले लीक हुए कुछ पोस्टर्स में ये नजर आया कि टॉम क्रूज एज अ सुपीरियर आयरन मैन आ रहे हैं, और फिर द इकोनॉमिक एक्सप्रेस के इस आर्टिकल ने इस बात को पक्का कर दिया कि टॉम क्रूज एज अ सुपीरियर आयरन मैन नजर आएंगे। और ये ऑफर टॉम क्रूज को रॉबर्ट डाउनी के आयरन मैन बनने से पहले भी ऑफर किया गया था।
और लोगों का कहना ये भी है कि टॉम क्रूज जैसे मंजे हुए एक्टर के लिए ये रोल निभा पाना आसान रहेगा। टॉम क्रूज के साथ साथ स्पाइडरमैन, बॉन्डा विजन और बॉन्ग जैसे कैरेक्टर को भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और इसी के साथ ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि और कितनी मैडनेस इस फिल्म में देखने को मिलती है। खुद तुम हो, होनी को कौन टाल सकता है? काहे कहती ना, पता लगा ना कौन है ना आयरन मैन। मजा आया। तो टॉम क्रूज इस रोल को निभा पाते हैं या नहीं ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। कोई बात नहीं। और जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के फैंस है ना, वो पसंद करे थे कि नहीं, जो जरूरी है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और जो हमारा चैनल है ना, मस्त मस्त वीडियो बनाते हैं, तो जाए जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।